हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्रिकेट अपडेट के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे जो नोटिफिकेशन होते हैं मेरे चैनल से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि जो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ मैच पूरी सीरीज का, वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। 492 रन से जीता है, जो पूरे क्रिकेट इतिहास में 1932 के बाद सबसे बड़ी मार्जिन से जीत है। तो बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने जीता है। गुड परफॉर्मेंस फॉर साउथ अफ्रीका। हाउएवर, आप ऑस्ट्रेलिया को ब्लेम नहीं कर सकते, जो सारे इंसिडेंट हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सीरीज के दौरान। इवन इनफैक्ट बिल्कुल स्टार्ट, अगर आप बॉल टैम्परिंग वाला इशू कंसिडर ना भी करो, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से क्विंटन डिकॉक के साथ क्लैश होना और स्पेक्टेटर के साथ पूरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग सीरीज रही बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। और सीरीज टू फॉरगेट, वो कभी इस सीरीज को याद नहीं रखना चाहेंगे, अ ब्लैक डे जिस दिन वो बॉल टैम्परिंग वाला स्कैंडल हुआ। लेकिन नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वर्न फिलैंडर उनके स्टार परफॉर्मर रहे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया साउथ अफ्रीका को, जिसके वजह से साउथ अफ्रीका ने इतनी बड़ी मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को डिफीट किया। बहरहाल, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस सारे इंसिडेंट के बाद कैसे उभरती है, कैसे ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक अच्छी टीम रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे विल कम बैक हार्ड, वो वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया अभी बिल्कुल नीचे लग गई है ये टीम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया एंड बेस्ट विशेज। तो यार, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो हमारा अगला अपडेट है वो सीएसके के कैंप से निकल के आ रहा है, और चेन्नई सुपर किंग्स के जो कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उनने ये क्लियर कर दिया है कि जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका जो बैटिंग ऑर्डर है। और क्योंकि ये माना जाता है कि जिस कैलेबर के महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो उनकी बैटिंग पोजीशन है, जो अभी तक वो खेलते थे 5-6 नंबर पे, वो जस्टिफाई नहीं करती उनके परफॉर्मेंस को। और ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करता है उनका जो रिकॉर्ड है, उन्होंने अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं की है। आईपीएल में जो उनका बेस्ट स्कोर है वो आई गेस 70 है, विच इजेंट एज पर हिज कैलेबर, अ बैट्समैन ऑफ हिज कैलेबर। सो इस बार उनको थर्ड या फोर्थ नंबर पे एज पर द सिचुएशन उनको प्रमोट किया जाएगा। दिस इज फॉर श्योर कि वो प्रमोट होंगे, थर्ड खेलेंगे या फोर्थ, ये डिपेंड करेगा किस सिचुएशन पे है उनकी टीम, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर सीएसके। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है जब से वो वापस आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में, और ये कमबैक सीरीज है फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। महेंद्र सिंह धोनी जब टीम में हो तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन इतने हाई होते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऑल द बेस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, होप यू डू वेल एंड होपफुली यू कैन ग्रैब द ट्रॉफी इन दिस कमबैक सीरीज। तो यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।